Hello student, today I am teaching you business studies for class 11th. Our today's topic is outsourcing. So in my previous video also I taught you about outsourcing. I explained you along with a short example of Mr. A and Mr. B. Fine. Now, outsourcing refers to contracting out some of its activities to a third party which were earlier performed by the organization. तो outsourcing को हम कह सकते हैं कि एक contract होता है जो हम third party से करते हैं और उस third party को हम वो activity करने को देते हैं जो कि हम already अपने organization में perform कर चुके हैं, ठीक है? और जो third party को जो हम काम assign करते हैं वो उस काम में expert होता है या एक्सपर्ट होती है वो कंसर्न. फाइन, नाउ वी विल डिस्कस्ड इन आउटसोर्सिंग. फर्स्ट, नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग. सो फर्स्ट इज आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट. कहने का मतलब है कि जो आउटसोर्सिंग है उसमें हम बाहर की किसी फर्म को जो कि स्पेशलाइज्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि वो उस टास्क को करे. Outsourcing involves contracting out an activity to an outside specialized agency which undertake complete responsibility to handle it using its own manpower. तो अपने खुद का manpower की help से वो उस work को complete करेंगे. For example, many companies have started outsourcing sanitations and housekeeping functions. Okay, जो कि पहले कौन करते थे, उनके खुद के house staff करते थे. Second, generally non-core business activities are outsourced. So outsourcing is generally done in case of non-core activities like housekeeping, security, in case of school. Okay? तो जो non-core activities होती हैं वो दी जाती हैं outsources के लिए. Then third, process may be outsourced as a captive unit or a third unit. Captive unit का मतलब है अपने आप में वो कोई BPO के form में हो सकती है, कोई business process out ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं जो कि स्पेशली बनी ही इसलिए होती हैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पैरेंट कंपनी को. या सेकेंड आउटसोर्सिंग थर्ड पार्टी में हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी समझाया था कि हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि किसी भी फर्म के अंदर वेज आपके लेबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ है, वर्कर, देर आर सो मेनी पीपल्स वर्क्स, तो उन सबको एक साथ उनके मैनेजमेंट को वर्कआउट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उनका बनाया जाता है जो कि टाइमली चेक करता है कि इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम. ओके, अनदर वन इज वर्टिकल. सो सच सर्विसेज प्रोवाइड स्पेशलाइज इन वन और टू इंडस्ट्रीज एंड परफॉर्म अ नंबर ऑफ प्रोसेस फ्रॉम वन नॉन कोर टू कोर. तो धीरे धीरे ये नॉन कोर से कोर एक्टिविटीज तक पहुँचते हैं. तो ये वर्टिकल टाइप ऑफ है, ठीक है? नाउ नीड फॉर आउटसोर्सिंग. सो फर्स्ट इज फोकस ऑफ अटेंशन. तो यहाँ पे जो हमारा पेरेंट कंपनी है वो अपने अपना वर्क में कॉन्सेंट्रेट करेगा और जो रेस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ है जिसमें वो इतना एक्सपर्ट नहीं है या जो इतना ध्यान नहीं लगाना चाहता तो उन एक्टिविटीज़ को वो आउटसोर्सिंग को हैंड ओवर कर देगा. इससे हमारे जो वर्क की इफ़िशेंसी है और इफ़ेक्टिवनेस है वो भी बढ़ेगा, वेस्टेज कम होगा और विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वर्क कम्प्लीट हो जाएगा. सेकेंड नीड है क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस. तो यहाँ पे हम हमारे जो हमने अपना वर्क किसी थर्ड पार्टी को दिया है वो अपने आप में एक्सपर्ट है और हमें पूरी श्योरिटी है कि वट एवर द वर्क वी हैव असाइन टू द थर्ड पार्टी डेफिनेटली कंप्लीट द टास्क विद इफेक्टिवनेस एंड विद एफिशिएंसी. ओके, अनदर वन थर्ड इज कॉस्ट रिडक्शन. सो outsourcing not only provide benefits of experts in specialized service of outsourcing partners but also reduce cost. Cost ko bhi reduce karta hai. This happened due to economics of large scale which occur to outsourcing partners as they deliver the same service to a number of organization. Kyunki ye jo organization provide kar rahi hai jo third party wo bahut si company ko usko provide kar rahi hai. तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा उनको पैसे देने का ज़रूरत नहीं है. डिफरेंस इन प्रोसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज ऑल्सो लीड टू कॉस्ट रिडक्शन. तो इससे आपका कॉस्ट रिडक्शन में आपको हेल्प मिलेगा.
लाइक इंडिया इज़ अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ चीप मैन पावर. और अगर हम इंडिया की बात करें तो मैन पावर बहुत सस्ता है यहाँ पे, तो ये एक बहुत बड़ी आउटसोर्सिंग का एक अर्निंग है. फोर्थ, ग्रोथ थ्रू अलायंस. सो अलायंस विद आउटसोर्सिंग पार्टनर्स एनेबल्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एज रिसोर्स सेव फ्रॉम आउटसोर्सिंग कैन बी यूज फॉर द एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स. तो जो भी आपका पैसा बचता है आप उस पैसे से अलग कोई मार्केट ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है, कोई अदर आपका प्रोडक्टिविटी में कोई चेंजेस लाने हैं उसमें ग्रोथ का रिक्वायरमेंट है, यू यूज़ दैट मनी देयर ओनली. ओके, नाउ नेक्स्ट, बूस्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ. और इससे हमारी इकोनॉमी भी ग्रोथ होती है बिकॉज वी ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द कोर एक्टिविटीज एंड अदर नॉन कोर एक्टिविटीज इज गिवन टू द आउटसोर्सिंग्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, कंसर्न ओवर आउटसोर्सिंग. सो आउटसोर्सिंग सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशंस. इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं. फर्स्ट, कॉन्फिडेंटली, सो इट रिड्यूस कॉन्फिडेंटली एज आउटसोर्स इन्वॉल्व शेयरिंग अ लॉट ऑफ वाइटल इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज विद अदर्स. दिस इन्वॉल्व रिस्क ऑफ पासिंग ऑफ सच इन्फॉर्मेशन टू अ कॉम्पिटिटर्स बाय सच पर्सन्स. सो मोर ओवर देर इज अ रिस्क ऑफ आउटसोर्सिंग पार्टनर्स स्टार्टिंग अप अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस. तो ये एक इसका मेन लिमिटेशन के अंदर है कि इफ़ यू ट्रस्ट ऑन द थर्ड पार्टी नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू. सो चांसेज ऑफ शेयरिंग योर सीक्रेट टू द अदर पार्टी, चांसेज होते हैं कि वो दूसरी पार्टी को आपके सीक्रेट शेयर करें, तो जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके कॉम्पीट आपको करने लगेंगे. तो दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेजेस. Next, sweet shopping. So the firm which outsourcing the work seek to get maximum benefit from low cost manpower of host countries. So however the work outsourced required doing skills instead of thinking skills. So which does not build competency and capability of the outsourcing partners. ठीक है, अब यहाँ पे manpowers की अगर हम बात करें तो हमें skilled peoples की भी requirement है. Not only just we not need people, those who only doing skill नहीं चाहिए, हमें thinking skill वाले people भी चाहिए. ठीक है, another is ethical concerns. So outsourcing may lead to unethical behavior if the companies outsource their work to developing countries where child labor and women are employed due to weak laws. So similarly it is unethical if the work is outsourced to countries where create exist wage discrimination on the basis of sex of the workers. तो ये भी बहुत main है. ethical concern का मतलब कि यहाँ पर हम जो human powers का use करते हैं, मैन पावर का use करते हैं, उसमें हम equal wages pay नहीं करते. जो small child है उनको अलग pay करते हैं, women's को अलग pay करते हैं, and we pay defer to the man's. So this discrimination if the firm will do, it is just in a category of ethical concerns come. Then resentment in the home countries. So outsourcing indirectly shifted the employment opportunities to the other countries. तो जो एक employment opportunities होती हैं outsourcing की help से, हम वो दूसरी companies, दूसरी country के people को दे देते हैं. It may cause resentment among people of the home country, especially when the home country is suffering from the problem of unemployment. तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि हम BPOs की हेल्प तो लेते हैं, हमारी जो बड़ी कंपनीज होती हैं, बट उस कंडीशन में वो एम्प्लॉयमेंट अपने कंट्री में जनरेट ना करके दूसरी कंट्री में जनरेट करते हैं. नाउ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. सो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज द सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग दैट इन्वॉल्व्स द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ अ स्पेसिफिक बिजनेस टास्क सच एज ह्यूमन रिसोर्स, कस्टमर सर्विस टू अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर. तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब है कि जिसमें हम अपना कुछ काम कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे अनदर किसी बिजनेस टास्क के लिए कंप्लीट करने के लिए दे देते हैं किसी थर्ड पार्टी को, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड कोई काम है या कस्टमर सर्विस से रिलेटेड कोई काम है, तो जहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं. सो ये दोनों ही तरीके से होता है, बैक ऑफ आउटसोर्सिंग एंड फ्रंट ऑफ आउटसोर्सिंग. ठीक है, दिस अलाउज कंपनी टू फोकस ऑन देयर कोर बिजनेस एक्टिविटीज़. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा,
फॉर एग्जाम्पल एक इंश्योरेंस कंपनी है माइट आउटसोर्स देयर क्लेम प्रोसेसिंग प्रोग्राम और अ बैंक माइट आउटसोर्स देयर लोन्स प्रोसेस सिस्टम. जैसे कि बैंक है या इंश्योरेंस कंपनी है क्लेम करने के लिए वो एक एजेंसी को हायर करती है. अदर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ बीपीओस आर कॉल सेंटर्स एंड पेरोल आउटसोर्सिंग्स. तो जैसे कॉल सेंटर्स भी जो होते हैं वो भी बीपीओ का ही काम करते हैं. वो बहुत सारी कंपनीज का एक शॉर्ट सा वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है, प्रमोशन के लिए काम करते हैं. तो बिजनेस प्रोसेस आर ऑफन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड आर रेफर टू बीपीओ और वी कैन से ITES स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विस. ठीक है, तो ये आपकी बीपीओ है. एंड देन सेकेंड इज योर KPO. सो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज KPO इज अ फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग दैट इन्वॉल्व्स द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ नॉलेज इंटेंसिव बिजनेस प्रोसेस दैट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड डोमिनेंस एक्सपर्टीज टू अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर. तो ये नॉलेज प्रोवाइडिंग होती हैं ये एजेंसीज. ठीक है, यू कैन टेक आइडियाज फ्रॉम सच एजेंसीज. सो द सक्सेस इज सक्सेस ऑफ KPOs इन इंडिया. अगर हम इंडिया की बात करें तो सक्सेस इन आउटसोर्सिंग बिजनेस प्रोसेस ऑपरेशन इन इंडिया हैज़ इनकरेज मेनी फर्म्स टू स्टार्ट आउटसोर्सिंग देयर हाई एंड नॉलेज वर्क एज वेल. सो कॉस्ट सेविंग, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एसेस टू हाईली स्किल्ड एंड टैलेंटेड वर्क फोर्स एंड इम्प्रूव क्वालिटी आर ऑल अंडरलाइन एक्सपेक्टेशंस इन आउटसोर्सिंग हाई एंड प्रोसेस टू इंडिया. तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सी कंपनीज जो हैं टॉप की जो कंपनीज़ हैं वो अपना जो थर्ड वर्क है थर्ड पार्टी को दिया जाता है, जिससे उनका कैसे सेविंग करना है, क्या उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाया कैसे जा सकता है, अवेलेबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग दे गेट फ्रॉम द KPOs. फॉर एग्जाम्पल KPO सम ऑफ द सर्विस आउटसोर्स इन इंडिया आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिजनेस एंड टेक्निकल एनालिसिस हैं, लर्निंग सॉल्यूशंस हैं, एनिमिनेशन एंड डिज़ाइंस हैं, बिजनेस एंड मार्केट रिसर्च हैं. तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ KPOs. ट्रेनिंग कंसल्टेंसी एंड नेटवर्क मैनेजमेंट है. ठीक है, तो दिस मच इज इनफ अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस.